हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहां पर दोस्तों अनबॉक्सिंग लेकर आए काफी अच्छे डिवाइस की। रियलमी ने धमाका कर दिया, रियलमी C25S एक बड़ी ही अमेजिंग प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। 23,000 फुल प्राइस है, लेकिन दराज पर आज भी डिस्काउंट मिल रहा है, अवेलेबल है दोस्तों 21,000 की प्राइस में। 4GB 64GB का वेरियंट है, तो 25,000 की प्राइस में अंडर 25,000 वाकई बेस्ट डिवाइस है या नहीं, ये आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो C25S के बारे में कैमरा टेस्ट भी करेंगे इस फोन का, कैमरा सैंपल्स भी, इस फोन का कैमरा देखेंगे कैसा है, तो क्विक सा रिव्यू आपको देंगे। तो इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। C25S के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स है हमारे पास रियलमी C25S का, रियलमी को मेंशन किया गया है, साइड पर रियलमी C25S लिखा हुआ है, बैक साइड पर हाईलाइट्स हैं। हीलियो G65 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल AI कैमरा, 6000mAh बैटरी, 18W की क्विक चार्ज, वाटर ब्लू हमारे पास कलर अवेलेबल है। इसके अलावा एक और कलर का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जल्दी से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। प्राइस काफ़ी क्रेजी है, 23,000 वैसे फुल प्राइस है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है दराज पर, 21,000 में आपको मिल जाएगा। आज आखिरी दिन है, फिर तो शायद ये पूरी प्राइस में मिले या शायद शॉर्ट हो जाए। तो बॉक्स को हमने जस्ट ओपन कर ही लिया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये छोटा सा फोल्डर है, इसमें हमें सिम इडेक्टर टूल मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, सॉफ्ट TPU केस मिल जाता है। उसके बाद हमारा फ़ोन है, फ़ोन को हम अनरैप करते हैं बाद में। चार्जर की जो रेटिंग है दोस्तों वो 18W का चार्जर है जो कि जल्दी से फ़ोन को चार्ज कर देगा। और उसके बाद चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर जी डेफिनेटली टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है। जल्दी से डब्बे को समेटते हैं। तो जैसे ही दोस्तों फ़ोन को अनरैप किया, यहाँ पर आपको कलर्स काफ़ी क्रेजी मिल जाता है। ये वाटर ब्लू कलर जो है ये न्यू कलर दिया गया है, और दिखने के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त आपको नज़र आता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कलर है। प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है फ़ोन और काफ़ी अच्छा है, लेकिन शाइनी फ़ोन नहीं है ज़्यादा, जिसे शाइनी फ़ोन कहते हैं, लेकिन ओवरऑल दिखने के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकेंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर दिया गया है, रियलमी की ब्रांडिंग है। राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिल जाता है, साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स आपको अप एंड डाउन मिल जाते हैं। अप साइड पर दोस्तों बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे डेफिनेटली 3 स्लॉट वाली है। डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल भी साथ में मिलती है। दोस्तों जैसे ही हम डिस्प्ले की तरफ आए, यहाँ पर कलर्स का मामला देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिस्प्ले आपको नॉच वाला मिलता है, और नॉच में आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले का मामला दोस्तों देखें तो डिस्प्ले आपको IPS LCD वाला 6.5 इंचेस का मिलता है, लेकिन HD+ की रेजोल्यूशन, फुल HD+ रेजोल्यूशन नहीं है, चलो इस प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे हम, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, और डिस्प्ले दिखने के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह तो आपको पता ही है कैसा अच्छा है, तो टच रेस्पॉन्स का मामला भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है। इस फोन के बैक साइड पर फिंगरप्रिंट है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विक रेस्पॉन्स कर रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। फेस आईडी का मामला, फेस आईडी भी काफ़ी क्विक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। सॉफ्टवेयर का मामला देखें तो यहाँ पर एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है, एंड रियलमी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 2.0, और यहाँ पर आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, काफ़ी आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन मिल जाता है साथ में।
खैर प्रोसेसर जो है वो मीडियाटेक हीलियो G85 वाला लगाया गया है। इस प्राइस टैग में 21,000 की प्राइस में काफ़ी इंप्रेसिव प्रोसेसर है, गेमिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और इस फ़ोन में ये प्रोसेसर देकर इस फ़ोन की प्राइस को और ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया गया है। तो खैर G85 के साथ हम PUBG टेस्ट भी करेंगे तो और आपको मजीद क्लियरेंस ज़रूर हो जाएगी। और फ़ोन काफ़ी मोटाई में मिलता है क्योंकि 6000 mAh की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। बैटरी काफ़ी बड़ी है जो कि आपको काफ़ी अच्छा टाइम प्रोवाइड करेगी और साथ में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। तो खैर यहाँ पर डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं, वक्त को ज़ाया किए फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 48 MP का डायरेक्टली ऑप्शन है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है, बहुत से ऑप्शंस हैं और वीडियो यहाँ पर आप जो है वो 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS में, ये अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर लाइव फ़ोटो का मामला देख लेते हैं, तो लाइव फ़ोटो का मामला दोस्तों रिज़ल्ट काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। हमने इस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से सैंपल्स लिए हैं दोस्तों, क्रेज़ी सैंपल्स हैं फ्रंट एंड बैक से। बैक का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छे से कवर कर रहा है डायनामिक रेंज का मामला और जो डे लाइट में या लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ बना रहा है बैक से। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, तो दोनों की मिक्सअप हमने सैंपल्स लिए हैं। तो अब आपने फैसला करके बताना है कि वाकई कैमरा अच्छा है। मुझे दोस्तों इस प्राइस में कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, अब फैसला आपने करके बताना है। लो लाइट का मामला, डे लाइट में, सन लाइट में, सभी में सैंपल्स हैं, तो ये देखकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैमरा कैसा लगा। फ्रंट एंड बैक कैमरा से वीडियो सैंपल्स भी लिए हैं, बैक कैमरा का वीडियो सैंपल्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है। तो कलर्स का मामला काफ़ी पंची सा है, अच्छे कलर्स आ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा कैमरा प्रोवाइड किया गया है। मज़ीद हम कैमरा टेस्ट में मज़ीद क्लियर कर देंगे कि बैक कैमरा कैसा है। फ्रंट कैमरा की बात करें काफ़ी अच्छा है दोस्तों फ़ोन, कम प्राइस में व्लॉगिंग के लिए मैं समझ रहा हूँ काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया और रिकॉर्डिंग का मामला काफ़ी क्लियर है, सेल्फी काफ़ी क्लियर है दोस्तों। फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग जो है, कलर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर फ्रंट कैमरा, तो उस हिसाब से फ्रंट कैमरा का मामला रिकॉर्डिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल आप फैसला करके बता सकते हैं इस फ़ोन का वीडियो कैमरा कैसा लग रहा है। तो फाइनल रिकमेंडेशन इस फ़ोन के बारे में आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, 18W की फास्ट चार्जिंग और उसके बाद 6000 mAh की बैटरी, प्रोसेसर काफ़ी इंटरेस्टिंग गेमिंग प्रोसेसर है, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, इस प्राइस में बिल्कुल एग्रेसिव है, बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं C25S को 21,000 की प्राइस में, तो यहाँ पर 23,000 शायद प्राइस हो जाए या 22 तक मिल जाए आपको। लेकिन अगर ये शॉर्ट नहीं होता फ़ोन, अभी ऑर्डर कर सकते हैं और इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।